for all kind of psychological assessment we need a certain kind of a test so here i am going to brief you an overview about variety of tests one can classify test in instruments across a number of dimensions including the purpose of designing them assessment the population used to standardize them a test different populations upar standardize ho तो वो किस पॉपुलेशन पे स्टैंडराइज हुआ है इट कैन बी कैटेगराइज देम, द नेचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इंस्टेंस इट बी सिंगल टाइम यूज़, इट बी अ प्री पोस्ट डिजाइन इट बी ए बी बी एंड एनी अदर काइंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देन द मोड ऑफ इंटरप्रटेशन अदर वी आर गोइंग किसी मशीन पे स्कोरिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे सर्टन टेस्ट होते हैं जो एक से ज़्यादा तरीक़ों से स्कोर हो सकते हैं सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर इंटरप्रटेशन सो एंड देयर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी वेरी हो सकती हैं लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जिस पॉपुलेशन पर वो टेस्ट बना रहे हैं उस पर इस्टेब्लिश करते हैं वो ज़रूरी नहीं किसी और पॉपुलेशन पर वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो क्रॉन बैश अल्फ़ा हमें सेम मिले वो हमारे लिए किसी एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन पे डिफरेंट भी आ सकता है तो दीज आर द डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ द क्लासिफिकेशन विच वी कैन सी देन टाइप ऑफ द टेस्ट फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ़ द टेस्ट दिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंडेड यूज पर्सनल सेलेक्शन के लिए टेस्ट यूज़ हो सकते हैं प्रमोशन या क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं प्रोफेशनल लाइसेंचर और सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं एंड देन एजुकेशनल एडमिशन एंड प्लेसमेंट के लिए यूज हो सकते हैं टेस्ट वी ऑफ एनी टाइप, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि एक, एक एडमिशन टेस्ट है तो वो एडमिशन टेस्ट जो है वो मे भी सिर्फ सिलेक्शन के लिए हो रहा हो जिस तरह हम लोग आ, कहीं पर आ, कोई ग्रेडिंग के लिए कोई टेस्ट देते हैं तो वो मे भी हम उसको क्वालिफाई करेंगे तो हमें कोई सर्टन जॉब मिलेगा तो आई मीन डिफरेंट तरह के जो टेस्ट हैं वो हम यूज़ कर रहे होते और उन सबकी हम आगे चल कर बात करेंगे दैन सर्टिफिकेशन टेस्टिंग इन सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री स्कूल एबिलिटी एंड अचीवमेंट टेस्टिंग इन स्कूल जैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के अचीवमेंट टेस्ट होते हैं डिफरेंट तरह के एबिलिटी के टेस्ट होते हैं जो स्कूल एंड कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं एंड देन स्पेशल एजुकेशन टेस्ट दिस इज़ ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन होते हैं जिनको ब्लाइंड जो है वो कर सकते हैं जिनको हेयरिंग एम्पेयर्ड लोग कर सकते हैं आई मीन विजुअली एम्पेयर्ड और जो हेयरिंग एम्पेयर लोग हैं उनके लिए वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं एंड अदर पीपल विथ सर्टन डिसबिलिटीज फॉर इंस्टेंस अगर किसी का एक हाथ नहीं है और वो कोई पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं कर सकता तो वो पर्टिकुलर टेस्ट वो किस तरीके से करेगा तो ये सब कुछ देखने के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं दैन क्लिनिकल असमेंट इंक्लूडिंग कॉग्नेटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी टेस्टिंग हमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमें पता है कि एक टेस्ट जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में यूज़ हो रहा होता है जैसे वेज है उसका एक वर्बुलल कॉम्पोनेंट है उसका एक इंटेलिजेंस का कॉम्पोनेंट है उसका एक फिजिकल कॉम्पोनेंट है तो हम इन टेस्टों को डिफरेंट डोमेन्स में यूज कर रहे होते हैं देन काउंसलिंग एंड गाइडेंस इंक्लूडिंग वोकेशनल इंटरेस्ट इन मैंट्रीज हम लोगों की वोकेशनल uh, इंटरेस्ट जो हैं वो भी टेस्ट के थ्रू मैयर कर सकते हैं स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर प्रोग्राम अवेल्यूशन एंड प्रोगेटिव डिसीजन मेकिंग इसी तरह किसी तरह के सर्टन प्रोग्राम्स जो होते हैं जो हायर एजुकेशन के हैं या हम लोग किसी रिसर्च की बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की कंटिन्यूस एवेल्युएशन होती है वो भी डिफरेंट तरह के टेस्ट ही उनको एवेल्युएट करे होते हैं तो दे कुथिंग विच कुड बी असैस बाय यूजिंग अ रेलिवेंट काइंड ऑफ द टेस्ट विच इज बींग मेड फॉर दैट स्पेसिफिक प्रैक्टिस रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू ड्रॉ और अबाउटूट स्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन सम हाइपोथेटिकल और इन्वेस्टिगेटेड साइकोलॉजिकल डायमेंशन अब ये रिज़ल्ट इन टोटल क्या करते हैं ये जो टेस्ट होते हैं इनके जो रिज़ल्ट आते हैं या तो हमें एब्सोल्यूट स्कोरिंग देते हैं या हमें रिलेटिव स्कोरिंग देते हैं और हम एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम स्कोर कर सकते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन हाई एंड लो बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिटवीन सैटिसफैक्ट्री और अनसाटिसफैक्ट्री या हम उनको ग्रेड कर सकते हैं कि ये जीरो से टेंथ पर कहाँ पर स्टैंड करें हैं या ये अपने रिलेटिव ग्रुप या अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनकी स्टैंडिंग जो है वो किस पोजिशन पे है सो दीज आर द काइंड ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेस्ट विच आर बीइंग यूज इन वेरियस सेटिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया और उनकी ग्रेडिंग जो है वो इन पर्सन या एज अ ग्रुप या एज अ प्रोग्राम की जा सकती है और वो रिलेटिव भी हो सकती है और वो एब्सलूट भी हो सकती है